नमस्कार, मैं हूँ रवि यादव और आप सबको मेरा नमस्कार है। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? अभी जस्ट एक शूटिंग, फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई है। उस फिल्म का नाम रुद्रदेव है, जिसका फर्स्ट लुक 25 तारीख को आप सबको देखने को मिल जाएगा। फिल्म की जानकारी नहीं, कौन कौन से कलाकार जुड़े हैं? उस फिल्म में मेरे साथ रितु सिंह जी हैं, बड़े भाई के रोल में देव सिंह जी हैं, उनके साथ में त्रिशाकर मधु जी हैं, संजय पांडे जी इसमें हैं, समर चतुर्वेदी जी हैं, अनूप अरोरा जी हैं, काफ़ी बड़े कलाकार हैं। और एक बड़ी टीम के साथ एक बेहतरीन सिनेमा बनाने का प्रयास किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हेमराज वर्मा जी और प्रोड्यूसर हैं मिस्टर डी के तिवारी सर। प्रोडक्शन हाउस बारे में बताएं, कैसे मिला आपको ये? इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म है कान्हा पिक्चर एंड प्रोडक्शन, जिसके ओनर हैं मिस्टर डी के तिवारी जी, जिनकी ये पहली फिल्म है। और मुझे बहुत प्राउड है कि उनकी पहली फिल्म में मैं हूँ, उनकी पहली फिल्म में, और आई थिंक उनकी दूसरी फिल्म में भी मैं ही रहूँगा। उस फिल्म को बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की है और कोई कसर नहीं छोड़ी है कि एक अच्छा सिनेमा ना बने, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो बैकग्राउंड डांसर ही क्यों ना हो या कोरस ही क्यों ना हो, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस फिल्म को बनाने में और एक बेहतरीन सिनेमा बनाया है रुद्रदेव, जिस फिल्म का नाम है रुद्रदेव। आपको क्यों लोग याद करेंगे? याद इसलिए करेंगे क्योंकि इसका जो एक्शन है वो साउथ स्टाइल का एक्शन है। अभी जितनी फिल्में की हैं उतनी उसमें उस लेवल का एक्शन नहीं था जितना एक्शन इस फिल्म में है। जैसे आग और सुहाग मेरी फिल्म थी, उसमें वो एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म थी, तो उसमें एक्शन उस तरह का नहीं था। लेकिन जो इस फिल्म रुद्रदेव है उसमें पूरा एक्शन है। उसमें दो दो क्रेन लगाई थी एक्शन के लिए। और इस फिल्म के फाइट मास्टर जो हैं, जो मिस्टर दिनेश यादव जी, जिन्होंने एक बेहतरीन काम किया है और अच्छा काम उसे निकलवाया है। फिल्म के एक्ट्रेस इसमें दो हैं, एक रितु सिंह, एक त्रिशा मधु। आपका किसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन दोनों के साथ है, लेकिन फिल्म में मेरी हीरोइन रितु सिंह जी हैं। बाकी त्रिशाकर मधु जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बाई नेचर भी अच्छी हैं और काम भी बेहतरीन करती हैं। वायरल हुआ था उसके बाद आप उनसे काम किया, कैसा फीलिंग हुआ आपको? मुझे लगता है कि कोई भी काम जानबूझ के कोई नहीं करता है, और जो वायरल हुआ मुझे नहीं लगता कि वो कोई ना करता हो। किसी का उजागर हो जाता है, किसी का उजागर नहीं होता है। तो मैं कल भी उनके सपोर्ट में था, आज भी उनके सपोर्ट में हूँ, और मैं हर उस लड़की के सपोर्ट में रहता हूँ जो ना चाहते हुए उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। आदमी की सोच पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। तो बस अच्छी दोस्त है हमारी, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी दोस्त है, अच्छी कलाकार है। ये काम रवि यादव के साथ होता तो रवि यादव क्या करते, इस तरह शूटिंग करेंगे? नहीं, पहली बात तो ये कि ऐसा काम होता नहीं मेरे साथ में। और क्या सवाल पूछा आपने? अगर त्रिशा मधुकर और कान अगर किसी लड़के यानी आपके साथ अगर हुआ होता तो क्या आप फिल्म की शूटिंग करते हैं? बिल्कुल करते, क्यों नहीं करते, वो हमारा प्रोफेशन है। एक कलाकार का प्रोफेशन होता है फिल्म करना। मैंने जैसे पहले कहा सर आपको कि कौन नहीं करता ये काम, किसी का उजागर हो जाता है, किसी का उजागर नहीं होता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, लेकिन चूंकि उनका वायरल हो गया था तो चीज़ें थोड़ा सा हो गई थी। इवन मैं तो इसको कहूँगा कि वो इतनी स्ट्रांग है, उस लड़की को मैं हैट्स ऑफ बोलता हूँ, त्रिशाकर मधु को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। वरना अगर मुझे लगता है उनकी जगह कोई और होता तो शायद गलत कदम उठा लेता, क्योंकि इतना नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी, इतना टॉर्चर उनको किया जा रहा था, इनका उनको इतना इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो उन सबको साइड में रख कर फिर से काम करना इंडस्ट्री में, फिर दोबारा अपने आप को प्रूफ करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। रुद्रदेव के शूटिंग के बाद किसी ने आपको कमेंट पास किया कि त्रिशा के साथ तो काम किए? काफ़ी लोगों ने किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोगों कमेंट करेंगे। मुझे तो हर दूसरा आदमी बोलता है कि आपको उनके साथ काम नहीं करना चाहिए। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए? वो भी कलाकार थी, कलाकार हैं और कलाकार ही मुझे लगता रहेंगी। वो चीज़ें कुछ गलत हो गई थी, ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के कोई करता है, तो कुछ गलत हुआ तो ऐसा, तो मुझे नहीं लगता है काम नहीं करना। मैं तो कहूँगा कि आप सबको काम करना चाहिए। फिल्म के विलेन संजय पांडे जी हैं जी, देव जी भी आपके बड़े भाई के कैरेक्टर में हैं, उन दोनों के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? संजय जी के साथ मेरी केमिस्ट्री तो मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड होती है। पहली फिल्म हमने की थी पांचाल, उसमें भी थे, उसके बाद आग और सुहाग किया उसमें भी थे, सपनों के सफ़र किया उसमें भी थे, और अभी ये रुद्रदेव जो किया उसमें भी संजय जी हैं। उनकी सबसे अच्छी बात कि वो एक कलाकार को सिखाते बहुत हैं,
और जो सबसे अच्छी बात उनकी मुझे लगती है कि एक मैं मेरी सोच हमेशा वही है, एक महान कलाकार और एक बड़ा कलाकार वो होता है जो सामने वाले कलाकार को छोटा महसूस ना होने दो या छोटा फील ना आने दिया जाए। तो संजय पांडे जी वो कलाकार हैं जो सामने वाले कलाकार को छोटा महसूस नहीं होने देते हैं। ऑन सेट भी मुझे बहुत सिखाते हैं कि रवि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए तो अच्छा लगेगा, और इस फिल्म में भी मुझे बहुत सिखाया है उन्होंने। फिल्म के डायरेक्टर हेमराज वर्मा जी हैं और बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, और उन्होंने बहुत शानदार स्क्रिप्ट लिखी है, रुद्रदेव उन्हीं की कहानी है। तो आप जब आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तैयारियां हैं, अच्छी तैयारी हैं। 25 तारीख को 12 बजे इसका फर्स्ट लुक आउट होगा, तो मुझे लगता है कि सबको बहुत पसंद आने वाला है। पसीना क्यों आ रहा है इतना आपको? बहुत नहीं, बहुत गर्मी है एक्चुअली, इसलिए पसीना आ रहा है। और कोई अपकमिंग फिल्म आपकी? अभी लाइनअप में है, मीटिंग्स चल रही हैं, एक दो दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जितना प्यार आशीर्वाद आपने मुझे अभी तक दिया है, आप लोग देते रहिए अपना प्यार आशीर्वाद। और हमेशा से मैंने कहा है कि एक कलाकार और एक नेता और एक अभिनेता आप सभी के बिना अधूरा होता है। एक नेता आप सभी के बिना चुनाव नहीं जीत सकता, और एक अभिनेता आप सभी के बिना स्टार नहीं बन सकता। तो आप सभी रियल हीरो हैं, आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे बस।